हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम होम मेकर्स का ज़्यादातर टाइम कहाँ बीतता है? ऑब्वियसली किचन में। किचन में हम अपनी फैमिली के लिए डिलीशियस और हेल्दी मील प्रिपेयर करते हैं, मगर अपने फैमिली के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मील प्रिपेयर करना इतना भी ईजी नहीं होता। इसके लिए हमें किचन में ढेर सारा टाइम लगाना होता है, मगर हम होम मेकर्स के पास किचन के अलावा भी ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ऐसे में हम किचन में ज़्यादातर टाइम लगाएंगे तो बाकी के काम कैसे करेंगे और अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज मैं आपसे कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स शेयर करूँगी जिनके हेल्प से कम टाइम में अपने किचन के कामों को निपटा पाएंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे ही स्मार्ट टिप्स के बारे में। फ्रेंड्स, खाना बनाते वक्त जो चीज़ें आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं उसे अपने कुकटॉप के आसपास ही रखिए। इससे ये हमेशा आपके रीच में रहेंगे और खाना भी जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। जो सामान आप फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं उसे आप काउंटर टॉप से अलग रख सकते हैं। इससे आपका काउंटर टॉप ज़्यादा मैसी भी नहीं होगा। मैं हमेशा ऑयल्स, घी, स्पाइसेस, नाइफ्स और लाइटर अपने कुकटॉप के आसपास ही रखती हूँ। इससे खाना बनाते वक्त मुझे इन्हें ढूंढना नहीं पड़ता और टाइम की भी बहुत बचत होती है। दोस्तों, किचन में हर सामान का एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए। अगर हर सामान का फिक्स्ड प्लेस होगा और उसे यूज़ करके आप वापस वहीं रख देंगे तो इससे भी किचन में टाइम की बहुत बचत होगी। अपने कप्स और ग्लासेस को सिंक के पास ही ऑर्गेनाइज करके रखिए, जिससे इन्हें धोने के बाद आप इजीली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अच्छे कंटेनर्स यूज़ कीजिए, जिससे उनके लिड को खोलने में कोई भी परेशानी ना हो, नहीं तो कई बार लिड को खोलने में ही हमारा सारा टाइम निकल जाता है। हमें अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा गैजेट्स तो परचेज़ नहीं करने चाहिए, मगर कुछ यूज़फुल गैजेट्स किचन में हमारा काम काफ़ी आसान बना देते हैं। जैसे ऐसे स्मॉल चॉपर से आप इजीली अनियन, टोमेटो, कोरिएंडर और वेजीज चॉप कर सकते हैं, जिससे काफ़ी टाइम बचता है। इसी तरह मिक्सर ग्राइंडर के हेल्प से भी आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। जनरली केक या कपकेक बनाते वक्त हम लोग केक के बैटर को घंटों तक व्हिप करते रहते हैं। यहाँ टाइम सेव करने का इजी तरीका है कि आप केक के बैटर को बारी बारी से मिक्सर ग्राइंडर में चला लीजिए। चाहे आपको कैसा भी केक बनाना हो, उसके इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्सर में चलाकर अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इससे केक बनाते वक्त टाइम की बहुत बचत होती है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप देख सकते हैं कि कपकेक्स कितने फ्लफी बने हैं। इसी तरह ठंड में आप इलेक्ट्रिक केटल का यूज़ करके जल्दी पानी बॉयल कर सकते हैं। अगर हमारा पैंट्री और फ्रिज वेल स्टॉक्ड होगा तो खाना बनाते वक्त टाइम की बहुत बचत होगी। इमेजिन कीजिए कि आपने कोई डिश बनाने का सोचा है और उसे बनाते वक्त आपके पास इंग्रेडिएंट्स ही ना हो, फिर आप या तो शॉप के चक्कर लगाएंगे, नहीं तो दूसरी डिश बनाने के बारे में सोचते रह जाएंगे। इसलिए हमें टाइम टू टाइम अपने फ्रिज और पैंट्री को चेक करते रहना चाहिए और जो भी सामान ना हो उसकी एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। इसके बाद जब भी टाइम मिले एक साथ इन सामानों को परचेज कर लीजिए। इससे किचन में बहुत टाइम बचेगा। हमेशा आलू, प्याज, गार्लिक वेल स्टॉक्ड रखिए, जिससे अगर कोई वेजिटेबल ना भी हो तो आप आलू से ढेर सारे रेसिपीज बना सकते हैं। कई बार वाटर फिल्टर ऊंचा होने के कारण बच्चे हमेशा पानी मांगते रहते हैं और स्पेशली ठंड में जब हमें बच्चों के लिए बार बार पानी को गर्म करना पड़ता है।
ऐसे में आप अपने बच्चों के बॉटल्स को वार्म वाटर से फिल करके एक जगह किचन में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मैंने इस छोटे से बास्केट में अपने बच्चों के बॉटल्स को ऑर्गेनाइज करके रखा है। दोस्तों, इससे ये होगा कि बच्चे इजीली बॉटल से पानी पी लेंगे और आपको बार बार पानी गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, किचन में स्पाइसेस और ग्रॉसरीज़ में लेबल लगाने से हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। हमें बार बार मसालों को ढूंढना नहीं पड़ता और कई बार एक जैसे दिखने वाले ग्रॉसरीज़ को पहचानने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए हमेशा अपने स्पाइसेस और ग्रॉसरीज़ को लेबल करके रखिए। मैंने ये लेबल्स अमेज़ॉन से परचेस किए हैं। इससे खाना बनाते वक्त मुझे कुछ भी ढूंढने में परेशानी नहीं होती और किचन में बहुत सारा टाइम भी बचता है। अगर कोरिएंडर लीव्स को अच्छे से क्लीन करके आप ऐसे स्टोर करेंगे तो सब्जी में डालते वक्त या चटनी बनाते वक्त बहुत टाइम बचेगा। इसी तरह मिर्च को भी आप स्टेम निकालकर अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। मैं जनरली 1 वीक के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट भी बनाकर रख लेती हूँ। जैसे ही आपका खाना बन जाए, अपने कुकटॉप और काउंटर टॉप को क्लटर फ्री कर लीजिए और इसके बाद इन्हें क्लीन कर लीजिए। इससे ये होगा कि आप जब नेक्स्ट टाइम किचन में खाना बनाने आएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप जल्दी खाना बना पाएंगे। इसी तरह चॉप करने के तुरंत बाद ही चॉपर को क्लीन करके रख दीजिए। चॉपिंग बोर्ड को भी यूज़ करने के बाद तुरंत क्लीन करके रख दीजिए। जैसे ही आपकी कोई भी ग्रॉसरी ख़त्म हो जाए, उसके डब्बे को तुरंत धोकर रख लीजिए। इससे जब आप नई ग्रॉसरी फिल करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कई बार खाना बनाने के बीच में हम बातें करने लग जाते हैं। इससे हमारा किचन में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। इसलिए आप जब भी किचन में आइए, अपने फ़ोन में टाइमर लगाकर उसे साइड रख दीजिए। दोस्तों, टाइम लिमिट रखने से हम ज़्यादा एफिशिएंटली और फोकस्ड रहकर खाना बना पाते हैं और इससे किचन में हमारे टाइम की बहुत बचत होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।